अस्सलाम वालेकुम। मजमून खेले करे और सीखे में हम सबक पढ़ रहे हैं रक्स। जिस तरीके से रक्स नाम सुन के हमारे कानों में म्यूजिक, डांस, आवाज, ये सब चीजें आ जाती है। हमें पता है कि भारत में बहुत सारे ऐसे डांस हैं जिनको महारत हासिल हुई है, जैसे भरतनाट्य मुद्रा, ये एक डांस है, कथक है और भी बहुत से हैं। इन सब में मुख्तलिफ किस्म की हरकत होती है, लेकिन उन हरकत को जानने से पहले इस हिस्से में हम देखेंगे कि हमारे दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं, उन उंगलियों को क्या कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको मेरा ये हाथ नजर आ रहा है, ये हाथ का पंजा है। क्या है? ये हाथ का पंजा है। मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? पांच उंगलियां हैं, है ना, सबको नजर आ रहा है। तो पांचों उंगलियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहला है अंगूठा, इसे कहते हैं अंगूठा। उसके बाद ये उंगली होती है, इसे कहते हैं शहादत की उंगली। क्या कहते हैं बच्चों? शहादत की उंगली। उसके बाद होती है ये उंगली, इसे हम बीच की उंगली कहते हैं या फिर दरमियानी बड़ी उंगली कहते हैं। ये तमाम उंगलियों में सबसे बड़ी होती है। उसके बाद होती है ये वाली उंगली, ये इसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, यानी इस उंगली में शादी या रस्म की रिंग पहनाई जाती है। इस उंगली की खासियत यह है कि इस उंगली की जो रग है वो सीधा दिल की रग से निकलती है, इसलिए इसको रिंग फिंगर भी कहा जाता है। और आखिर में है छोटी उंगली, छोटी उंगली, इसे हम छोटी उंगली कहते हैं। इस तरीके से हमारी पांचों उंगलियां मिलकर हमारा एक पंजा बनता है, एक पंजा कहलाता है। और ये जो बीच का हिस्सा होता है इसे कहते हैं हथेली। क्या कहते हैं? हथेली। तो ये सब हम इसलिए आपको बताए हैं कि इन उंगलियों का और इन पंजे का रक्स में, भरतनाट्य मुद्रा और कथक में अलग अलग हरकत होते हैं, जो कि हम अगले हिस्से में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।